तो अब हम लोग बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। पिछली बार हम लोगों ने देखा था व्हाइल लूप, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप जो होता है ज़्यादातर इटरेशन के लिए काम आता है। इटरेशन के लिए मतलब ये होता है ना कि आपके पास मान लो कोई लिस्ट है, ट्यूपल है, डिक्शनरी है, सेट है, स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे लिखी हुई कौन सी चीज़ें हैं। जैसे मान लो ये फ्रूट्स, आपने एक लिस्ट बनाया है, इसके अंदर ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आपको प्रिंट कराना है, आपको देखना है कि ये चीज़ इसके अंदर है कौन 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 सी चीज़। तो आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे फॉर लूप लगा के उसके अंदर की चीज़ों को प्रिंट करा लोगे, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये जो फॉर लूप जो है ना, तुम लोग जो देखे हो कि हाँ फॉर वो सी वाला कि फॉर इंट आई, फिर उसके बाद कहाँ तक, फिर उसके बाद क्या है, आई प्लस प्लस है कि आई माइनस माइनस है, तो ये जो चीज़ें होती थी ना उससे थोड़ा हटके ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें कोई भी इंडेक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा क्या होता है, अब आपको ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, ठीक है, इन जो वैल्यूज़ हैं इनको किसी वेरिएबल में पुट करना होता है। पुट करने के लिए आप कोई भी चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे फॉर एक्स इन फ्रूट्स लिखा है मैंने, आप फॉर विक्रांत इन फ्रूट्स ले लो। तो मेरे कहने का मतलब ये एक वेरिएबल है, ठीक है ना, ये एक वेरिएबल है, इसको आप कहीं भी आपको असाइन करने की जरूरत नहीं है कि एक्स इज इक्वल टू 10 लिखा है मैंने या एक्स इज इक्वल टू कुछ लिख दिया है, कहीं पे भी असाइन करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही उस वेरिएबल को असाइन करेगा कौन सी वैल्यू जो कि यहाँ पे आपकी होंगी, मतलब जो भी आपने इनपुट दिया होगा उसी के अंदर की वैल्यूज़ को वो एक्स में असाइन कर देगा, ठीक है। तो वेरिएबल है कोई भी, जैसे कोई भी यहाँ चीज़ लिख सकते हो, विक्रांत लिख दो, सैमी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फॉर सैमी इन फ्रूट्स, ठीक है, और प्रिंट एक्स की जगह मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, सैमी, क्योंकि अब हमारे पास जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं ना वो आ चुकी हैं किसमें, इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है फॉर लूप में। अब एक बार करके देखते हैं, ठीक है। जैसा अच्छा एक चीज़ और, जब हम लोग पहली बार बात कर रहे थे, जब ये लिस्ट की, ट्यूपल की, कि सर जो फॉर लूप वाले हम सारे छोड़ दे रहे थे, तो वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम वहाँ पे छोड़े थे, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे समझ में आता नहीं, क्योंकि फॉर लूप था नहीं आपके पास। तो अब हम लोग फॉर लूप करते हैं, ठीक है। पिछली बार हम लोगों ने व्हाइल लूप किया था, अब थोड़ा फॉर लूप पे ध्यान दे देते हैं, ठीक है। पहले इसको आइडेंटिफिकेशन कर लें, अलग कर लें थोड़ा। ठीक है, अब हम लोग फॉर लूप पे चलते हैं। फॉर लूप का देखो सिंपल सा बात है कि पहले आपको कुछ बनाना होगा, तो LST1 बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। LST1 में हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेते हैं कोई भी, तो हम लोग की पसंदीदा है ABC, ठीक है। ABC हम लोग की पसंदीदा एक है जो कि जल्दी से बन भी जाती है और ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहती है, ठीक है। तो लिस्ट हो गया, अब इसको एक बार प्रिंट करा के हम लोग देख सकते हैं आराम से चाहें तो, ठीक है, प्रिंट करा के LST1 करके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। लेकिन अगर आपको इसके अंदर ये देखो, ये तो इसने पूरा दिखा दिया कि इसने पूरा लिस्ट प्रिंट कर दिया, अब आपको इसके अंदर की चीज़ें चाहिए, तो आप क्या करोगे ना, आप सीधे सीधे यहाँ पे लिखोगे फॉर एक्स इन, अब लिस्ट क्या है, LST1, ठीक है, और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, एंटर, और फिर प्रिंट हम क्या करेंगे, एक्स। तो देखो ABC आ गया उसमें, और इसके प्रिंटिंग में देखो अंतर है। ये क्या कर रहा है, ये उसके अंदर के एलिमेंट्स बता रहा है, ठीक है, उसको नहीं मतलब कि इस एलिमेंट्स कौन से हैं, मतलब ये लिस्ट का एलिमेंट है कि क्या एलिमेंट है नहीं पता उसको, वो उसको तुमने एक इनपुट दिया, उसके अंदर जो कुछ भी है वो ला के पटक देगा, ठीक है। अब यही सी चीज़ को अगर मैं ट्यूपल में कन्वर्ट कर दूँ, तो ट्यूपल में कन्वर्ट करने में क्या आ जाएगा हमारा, देखो ब्रैकेट चला जाएगा और उसके जगह पे पैरेंथेसिस आ जाएगी, सेम चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि आपको किसी चीज़ के, किसी भी लिस्ट हो गया, ट्यूपल हो गया, सेट हो गया, इसके अंदर की चीज़ें जाननी हो तो आप क्या करोगे, फॉर लूप लगाना शुरू कर दोगे, ठीक है। इसको इससे मतलब नहीं है कि तुमने उसको लिस्ट दिया है कि ट्यूपल दिया है कि सेट दिया है, अगर आपको उसके अंदर की चीज़ें जाननी है तो आप फॉर लूप लगाओगे, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं पड़ती है तो सीधी सीधी बात है, और जो हमने वहाँ पे बात की थी पहले ट्यूपल और लिस्ट में कि कोई फॉर लूप कैसे लगा के आप चेक करते हो, यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर लूप लगा के कैसे हम चेक करते हैं, और वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। वेरिएबल एक बार चेंज करके देख भी लो, जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल कोई भी लिख दिया, मान लो सांबा,
ठीक है, इसको बस यहाँ पे चेंज क्या करना है, सांबा कर देना है, सेम चीज आएगा। मतलब कि यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल चूज करोगे सिर्फ वही वेरिएबल यहाँ पे लिखोगे, LHT1 नहीं लिख देना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि आगे क्या, आगे जैसा कि हम लोगों ने वाइल लूप में बात किया था कि आपने ब्रेक कर देना है अगर कोई भी चीज़ किसी से मैच की, और कंटिन्यू करना है अगर आपको उसको प्रिंट नहीं कराना है या फिर मान लो कि उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लाना है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना ब्रेक और कंटिन्यू का, कि जैसे मान लो कि तुम कोई बड़ा कोड लिख रहे हो और तुम्हें कोई इनपुट मिला, ठीक है, इनपुट मिला तुमको मान लो एक्स। अब तुम चाहते हो कि एक्स अगर इनपुट मिलता है, ठीक है, तो या तो ब्रेक कर जाए कोई चीज़ या फिर कंटिन्यू कर जाए, मतलब इस पे वो फंक्शन, जैसे ये फंक्शन है मान लो कोई मेरा, तो ये फंक्शन जो है इस एक्स पे काम ना करे तो कंटिन्यू, लेकिन ये फंक्शन जो है चलता रहे, मतलब इससे फंक्शन से बाहर नहीं निकलना है, फंक्शन चलता रहे लेकिन इनपुट जब एक्स आएगा कोई तो ये उस पर काम ना करे, तो वहाँ पे क्या आप यूज करोगे, कंटिन्यू यूज करोगे। अब आप चाहते हो कि यही एक्स वैल्यू आई है मान लो, और वहाँ पे आप चाहते हो कि ये फंक्शन इसे ही बाहर निकल जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, ब्रेक यूज करोगे, ठीक है। इन दोनों का यही एक फ़ायदा है, ठीक है। फायदा घाटा आप दिखा दी, घाटा देखो सिंपल सी बात है कि फ़ायदा तो समझ में आ गया, घाटा है कि फिर उस फंक्शन में रिटर्न करने के लिए आपको फिर से फंक्शन को कॉल करना होगा, और इसका घाटा यह है कि वो चीज़ प्रिंट नहीं करेगी, और उसके नीचे जो भी एग्जीक्यूशन और आप कराना चाह रहे होगे, एग्जीक्यूशन जो भी आप कराना चाह रहे होगे वो एग्जीक्यूशन भी नहीं करेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। ये चीज़ घाटा है कंटिन्यू का, और घाटा है ब्रेक का, ब्रेक का घाटा फंक्शन से बाहर निकल जाओगे, फिर कॉल करना पड़ेगा, कंटिन्यू उसके नीचे की चीज़ें कभी भी प्रिंट नहीं होंगी, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होंगी, फिर से वो लूप पे ही चला जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार करके इस पर भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब हमारे पास LHT तो पहले से है, ठीक है, LHT तो हम लोग का पहले से। अच्छा एक चीज़ और, अब जैसे तुमने हाँ मान लो सांबा दे दिया कि फॉर सांबा, तो क्या देखो प्रिंट करके बाहर कभी प्रिंट कराओ सांबा, देखो क्या होगा, कुछ लास्ट वर्ड है, ठीक है, लास्ट वर्ड है ये याद रखना। जैसे कि प्रिंट आपने पहले करा दिया मान लो सांबा वेरिएबल लेके, तो सांबा में जो लास्ट वेरिएबल होगा ना आपका, ये आपको मिलेगा सी। क्यों? क्योंकि पहली बार उसको ए मिला, उसने उसको क्या किया, प्रिंट करा दिया, फिर दूसरी बार उसको क्या, उसने क्या लिया, बी लिया, प्रिंट करा दिया, तीसरी बार उसने क्या लिया, सी लिया, और उसको क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, तो लास्ट में आपको क्या बचा, सी बचा। ये बात याद रखिएगा कि अगर जो भी आप वेरिएबल यहाँ लेंगे वो वेरिएबल जो भी आपने लिस्ट लिया हो, चाहे ट्यूपल लिया हो, चाहे सेट्स लिया हो, कुछ भी लिया हो, उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो उस वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आगे आप जहाँ भी प्रिंट कराओगे अगर आपको इसके लास्ट वैल्यू की ज़रूरत है तो आप आराम से जो वेरिएबल लिए हो उसको प्रिंट करा सकते हो, उसके साथ उसको एज ए इनपुट ले सकते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और एक चीज़ बता दूँ, कभी भी कोई तुमको डाउट लगे कि अच्छा इसको प्रिंट करा क्या होगा, तुरंत प्रिंट करा के चेक कर लो, ठीक है ना, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कौन सा कंपनी के लिए बना रहे हो तुम लोग अभी कुछ, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं, मतलब ये चीज़ बहुत कम ही लोग बताएंगे क्योंकि लंबा हो जाता है, ठीक है, लंबा हो जाता है काफ़ी कोर्स, तो क्या होता है कि कई लोग छोड़ देते हैं चीज़ों को, जो चीज़ जो भी नहीं होती है, तो हम मुझे जितना याद आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, पहली चीज़। अब बात करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू की, ठीक है। तो ब्रेक और कंटिन्यू करने के लिए देखो ये बताया था ना कि ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है, कि क्या आ जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा और क्या आने पे कंटिन्यू होगा, चलो ठीक है सब उसी पे करते हैं। अब बात करते हैं कि यही सेम चीज़ ABC है, अगर मेरे पास लिस्ट में ABC है तो मैं सीधे सीधे अगर मैं यहीं पे कर चेंज करना चाहूँ, फॉर सांबा इन लिस्ट वन इफ सांबा इज इक्वल टू सांबा, यार लिखने में वही लंबा हो जाएगा, एक्स कर लो, ठीक है, एक्स यहाँ कर लो। अब मैं कहता हूँ कि इफ इफ एक्स इज इक्वल टू, स्ट्रिंग को मैच करा रहे हैं तो स्ट्रिंग का ही ध्यान देंगे हमेशा, ठीक है, ब्रेक, ठीक। अब इसको जरा प्रिंट कराओ, ओ सॉरी, एक्स इक्वल टू बी, सॉरी। तो
एक्स इज इक्वल टू बी, जब बी के बराबर हो गया तो ये ब्रेक कर गया, ब्रेक कर गया मतलब क्या, सिर्फ ए उसको प्रिंट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अब इसी जगह पर अगर मैं कंटिन्यू कर दूं जैसा हम लोगों ने उसमें किया था वाइल वाले में, अगर नहीं देखो तो जाके देख लो एक बार। ठीक है, तो यहाँ देखो ए और सी आ गया। क्यों ए सी आया? क्योंकि बी को क्या किया इसने, कंटिन्यू कर दिया। बी अगर मिल गया इसको तो ये क्या किया, वापस फॉर लूप पे चला गया, ये प्रिंट को एग्जीक्यूट ही नहीं किया इसने। ठीक है, तो घाटा क्या हुआ, अगर इसके नीचे आप कोई भी 75 चीज़ें प्रिंट करा दो या कुछ भी का एग्जीक्यूशन करा दो, और कंटिन्यू अगर उसको पहली बार में ही कहीं पहले लाइन में जैसे यहाँ मिला है, मिल गया, तो उसके नीचे वालों को क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, वो वापस चला जाएगा फॉर लूप पे। ठीक है, तो वो जो साइकिल थी आपकी, जिस मतलब साइकिल ही है हुई ना एक तरीके से, वो जो एक साइकिल लूप में आ रही थी आपकी, वो साइकिल क्या हुई, यहीं से यू टर्न मार ली, बस ये समझ लो। ठीक है, ब्रेक का मतलब रोड से ही उतर गई। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं फॉर लूप क्या कहता है। अच्छा, फॉर लूप में देखो कई चीज़ें थोड़ी आसान भी हो जाती हैं, कोई चीज़ टफ भी हो जाती है। अब देखो जैसा हम लोगों ने बात किया था रेंज की, ठीक है, जब हम डेटा टाइप पढ़ रहे थे तो रेंज की बात की थी। तो रेंज क्या है, रेंज सिंपल सा है भाई, इस रेंज में होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, अब देखो रेंज लगाना जो है वो आसान होता है, ऐसा नहीं है कि रेंज लगाना आसान नहीं है, लेकिन रेंज को मैनिपुलेट करना ये थोड़ा टफ पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि रेंज में ऐसा नहीं है कि दो ही तीन है, मतलब जैसे ये यहाँ पे देखो एक ही इनपुट है, यहाँ पे दो इनपुट होगा इसके लिए, मतलब दो पैरामीटर्स हो गए, यहाँ तीन पैरामीटर्स हो गए। तो कई कई बार क्या होता है ना कि रेंज को यूज करने में आदमी थोड़ा कन्फ्यूज सा हो जाता है। ठीक है, तो हम ये तीनों करके देखते हैं कि तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो क्या है, एक एक करके पहले यहाँ समझ लेते हैं। सिक्स अगर खाली लिखा है तो इसका मतलब है कि वो सिक्स तक जाएगा। ठीक है, हाँ यही सिक्स तक जाएगा, नहीं जाएगा सिक्स तक, फाइव तक ही रहेगा। ठीक है, फाइव तक ही रहेगा, 0 to 5 ही जाएगा, ये नहीं कि 0 to 6 मान लो, लास्ट वाला नहीं चलता है। अब 2 to 6 है तो 2 to 6 में सिक्स जाएगा, नहीं जाएगा, 2 से 5 में ही रह जाएगा, मतलब 2 से 5 तक। और 2 8 2 का मतलब क्या हो गया कि 2 से शुरू होगा, 7 में होगा, और इसके बीच में गैप कितना होगा, 2 का, मतलब 2 के बाद सीधे 4 6 ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाला क्या हो गया, तुम्हारा कितने गैप में आएगा, कहाँ तक जाएगा, कैसे, कहाँ से कहाँ तक, मतलब -1 कहाँ तक और कितना गैप है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने से पहले एक बार इसको करके दिखा देते हैं कि तुम लोग को कैसे, मतलब कैसा मिलेगा, चीज़ें कैसे मिलेंगी। तो अब क्या है कि फॉर एक्स इन, सीधा सीधा देखो, ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है, रेंज। अब मैं कहा कि चलो सिक्स, ठीक, अब हमारे पास रेंज सिक्स तक की जो वैल्यूज हैं वो किस में हैं, अभी एक्स में आ गई तो आपको प्रिंट भी क्या कराना होगा, एक्स ही तो प्रिंट कराना होगा ना, प्रिंट एक्स 0 1 2 3 4 5। ठीक, अब मैं कहता हूँ कि चलो मैं दूसरा भी करता हूँ 2 6, तो ये क्या देगा, 2 3 4 5। ठीक है, मतलब ये 2 से शुरू होगा और 5 तक जाके खत्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट जो है नहीं लेता है। ठीक है, अब मैं इसको सिक्स करने के बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं 2 का गैप भी दे देता हूँ, तो 2 4। ठीक है, सिक्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिक्स लेगा ही नहीं, तो सिक्स होगा कैसे, अगर मान लो मैं सिक्स भी चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 7 कर दूंगा तो 2 4 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज अगर तुमको कभी भी, जैसे होता है ना कि फॉर सम रेंज के लिए इतने बार काम करे, या फिर इसमें से कोई वैल्यू, अब जैसे तुमने को क्या करना है रेंज की, तो वो सिंपल सवाल है कोई चीज़ का यूज कहाँ है। अब जैसे तुमको 0 to 6 में चाहिए वैल्यू, ठीक है, 0 1 2 3, तो तुम क्या करोगे, आई इज इक्वल टू कई सारे वेरिएबल्स तुमको लेने पड़ेंगे, जैसे एक्स इज इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा, फिर बाद में उसको इंक्रीज कराना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है कि वैसी चीज़ से आदमी बच जाता है। ठीक है, एक रेंज दे दिया कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक इंटीजर वैल्यू देते चलो, वो देता जाएगा। ठीक, इस चीज़, ये चीज़ होती है रेंज में। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा है, अच्छा वही चीज़ की 0 to 5 जाएगा, 0 to 6 नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेस्टेड लूप की, जैसे नेस्टेड की बात हम बार बार कर रहे थे, नेस्टेड लूप की बात करते हैं। नेस्टेड लूप में क्या है कि ए बी, फॉर ए बी प्रिंट, ठीक है, मतलब एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर, फिर तीसरा फॉर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर लोगों को समझ में थोड़ा दिक्कत करती है, मतलब पहली बार में, यहाँ क्या होता है कि जब फॉर एक्स इन मान लो कोई बी है, मान लो,
ठीक है, तो इसमें एक्स की एक वैल्यू के लिए, ठीक है, उसके नीचे अगर मैं अंदर मैं अगर फॉर इन मान लो एफ लिख देता हूँ, तो इसकी एक वैल्यू के लिए इसकी सारी वैल्यूज चलेंगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक तरीके से टेबल बनाऊँ, तो ये वन होगा, ठीक है, ये वन होगा, मान लो इसके अंदर दो वैल्यूज हैं, तो ये दोनों वैल्यू पुट होंगी पहले, ठीक है, वन वन पे। फिर अगर इसके अंदर भी दो वैल्यू हैं तो ये टू लिखेगा, ठीक है, और इसके अंदर फिर से वन और टू चलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से चलता है। तो यानी कि पहला वाला अगर एक बार एंट्री कर लिया दूसरे में, तो दूसरा वाला पहले पूरा चलेगा, फिर उसके बाद वो निकलेगा बाहर, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो टू दूसरे वाले वैल्यू को लेगा, जो पहला है, जो एक्स लगाए थे हम लोगों ने, वो दूसरा वैल्यू लेगा, फिर उसके अंदर फिर जाएगा, वो भी दूसरा वैल्यू, दोनों वैल्यू लेगा, तब बाहर निकलेगा, ठीक है। हम करके दिखा देते हैं इसको एक बार, तब फिर आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास लिस्ट वन तो पहले से अवेलेबल है, तो लिस्ट टू बना लेते हैं हम, ठीक है। अरे यार, लिस्ट वन लिस्ट नहीं है, ये ट्यूपल है, ट्यूपल, इसको लिस्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। यार छोड़ो, इसको कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, लिस्ट वन को। यहाँ पे हो जाता है क्या, डी डी ई एफ, ठीक है, तो डी ई एफ, तो एल एस टी टू एल एस टी वन हो गया हमारे पास, जाहिर सी बात है, एल एस टी वन एल एस टी टू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फॉर एक्स इन एल एस टी वन, फिर उसके नीचे हम क्या करेंगे, फॉर वाई इन एल एस टी टू, अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, प्रिंट। बारिश होने लगी, एक्स वाई, ठीक है, इसको हम प्रिंट कराएंगे। तो देखो, ए पहले पूरा चला, ठीक है, उसके बाद बी चला, उसके बाद सी चला, ठीक है। तो इस तरीके से पहले डी ई एफ हुआ, फिर डी ई एफ इसमें भी, डी ई एफ इसमें भी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है नेस्टेड में, ठीक है, नेस्टेड में यही चीज़ होती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से यूज करना, ठीक है। तो चलो, अब अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है।